दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूँ। देश भर में यही रेशियो है, आपके बंगाल में भी है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है, और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन। मान्यवर मसूदी साहब कहते हैं कि 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखे। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं। इसका एक प्रो रेटा है, प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे हुए, बाहर का क्या होता है? नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए, बाहर का है। दादा आपको नहीं कह रहा मैं, मान्यवर एक गलत रास्ता है, इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब जरा सच बोला करिए, आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो, सभी एकॉर्ड निकाल कर दीजिए। किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से, कि इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी, और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीरे दाखला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने, जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आम्बेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होंगे। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी। और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु
कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। और मान्यवर